पिताजी को गुजरे बरसों हो गए हैं मां, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बीच में जिंदा है। पापा, अरे पापा जल्दी करो ना, खेत में जाने का है। मैं चलता हूँ मां। चल छुटके चल। अरे बेटे बहुत अच्छा निशाना। नमस्ते बीजे भैया। नमस्ते, कैसी हो? अच्छी हूँ। आज सुबह सुबह विवेक को कहाँ लेके जा रहे हो खेत पर? क्या करूँ, मानता ही नहीं, जहाँ जाता हूँ साथ वो लेता है। क्या करे बेचारा, माँ तो जन्म देते ही चल बसी, अब तो आप ही इसके सब कुछ हो। वहाँ क्या घूर घूर के देख रहा है? अरे कल्लू, क्या लुंगे है गुरु? हाँ, अरे ये तो सचमुच की जलपरी है, चले इसे उठा के ले चले। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम्हारे कपड़े हमने पकड़े। कौन हो तुम लोग? अरे मेरी जान, हम मछलियाँ पकड़ते हैं, मछलियाँ। महीने भर से कांटा लिए घूम रहे थे, मछली तो कोई फची नहीं, जल बली फंस गई। बकवास बंद करो, लाओ मेरे कपड़े। एक सूरत था, इस हाथ ले उस हाथ दे। हुँ? हम तुम्हारे कपड़े देते हैं और तुम हमें। ये आवाज सुनी? हाँ सुनी तो। छोड़ो मुझे। बचाओ। क्या हो रहा है ये? कौन है बे? छोड़ दो लड़की को, नहीं तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अब बेजा, जिंदा गाड़ दूंगा। अबे तूने का ठेका ले रखा है क्या? ये शरीफों का गांव है, यहाँ लड़कियों से जबरदस्ती नहीं चलेगी। लल्लू तू जरा लौड़िया पकड़ और मैं जरा इसे ले पढ़ लेता हूँ। अच्छा बाबा, बहुत मार साले को, हड्डी पसली तोड़ देना। वो गंजे की या दूसरे की? दोनों की। दोनों की? हम्म। छोटे मुझे पे। अरे ये क्या हुआ? शराबी को मारकर खुद गिर गया। अरे मैं क्या मार साले को? मैं डरता हूँ इससे, मैं इसको दिन में ताले दिखा दूंगा। जरा हाथ दे। अरे मार, एक लड़के की इज्जत नहीं बचा सकता। अरे पापा, ये क्या, तू फिर गिर गया? अबे क्या हुआ, मेरा पैर फिसल गया था। मैं तो इसकी छुट्टी कर दूंगा, मारूंगा साले को। छोड़ दे मुझे, लल्लू आजा आजा, लल्लू मेरे पीछे। अरे इस जगह पे कोई नहीं आने वाला, आजा आजा लल्लू। तू कौन काम का? अरे तू पीछे से कहा दबका ले। भैया ये सभी बात ठीक ही है। भैया वक्त पर आकर तुमने अपनी बहन को इन कमीनों से बचा लिया। चल पर घर चलते हैं। एक, दो, तीन, क्या
बाबा, दो दंड मारते हो और फट से मेंढक की तरह गिर जाते हो। बेटे आज के लिए इतना बहुत है, एक दिन में कोई थोड़ी पहलवान बन जाता है, खेत पे काम भी तो करने जाना है। बिल्कुल नहीं। देखिए अपन दोनों दोस्त हैं ना, बात मानते हैं। अच्छा आज माफ करता हूँ लेकिन कल नहीं छोड़ूंगा। हाँ बलवान जी मत छोड़ना। अरे विजय, बेटा ये देख, देख तो सही, पंडित जी ने अपनी राधा के लिए कैसे कैसे रिश्ते भेजे हैं। माँ मैं ठहरा गंवार, तू घोड़ा खरीदने के लिए कहेगी, मैं गधा वधा खरीद लाऊंगा। एक काम कर, तू ये अपनी राधा को दिखा देना, खुद ही पसंद कर लेगी। ये देख कैसा रहेगा, चीज की मुझ से देखो, दूध पीते वक्त सारी मलाई मुझ में झूलती नजर आती होगी। अच्छा और ये कैसा रहेगा, इसकी आंख तो देख कितनी बड़ी बड़ी है, ऐसा लगता है किसी ने इसका गला दबा दिया है। तेरा मतलब ये सब निकम्मे हैं? फिर तुझे कैसा दूल्हा चाहिए? मुझे तो एक सुंदर सजीला राजकुमार चाहिए, जो सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में गुलाब का फूल लिए हुए मेरे करीब आकर, मेरे जुड़े में फूल लगाकर, मुझे अपनी रानी बनाकर बादलों के उस पार अपने महल में ले जाए। अरे चलो हम लोग पानी भर कर लाते हैं, अपनी महारानी को तो अपने राजकुमार की बाहों में झूलने दो। चलो 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 चलो, चलो। खोली, सोच रही हूँ कि किस तरह उसने पायल निकाला कि मुझे मालूम ना हुआ। जानती हो कल रात मैं एक पल भी न सोई, ऐसा लगता है कि मेरे पायल के साथ साथ वो चोर मेरी नींद भी उड़ा के ले गया। इसे कहते हैं मोहब्बत, आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। चलो राधा चलें, हरी ओ राधा, चलो चलो। अरे राधा दूसरा फोन, अरे साथ में प्रेम पत्र भी है। हमें भी बताना क्या लिखा है इसमें। तुम्हारी पायल ने मुझे
रात भर सोने नहीं दिया। तुमसे जुदा होकर वो पायल खनकती रही, बजती रही। इजाजत हो तो तुम्हारे पैर में वापस बांधू? इजाजत है। Thank you.
राधा इधर आओ। पास वाले गांव में रहते हैं। मैं ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा हूं। ठाकुर प्रताप सिंह खानदान तो अच्छा है। ये बी पास है भैया, पढ़ा लिखा भी है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग भी ले रहा हूं। लड़का काबिल भी है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इतना प्यार झलकता है इनकी आंखों से, भगवान इनके प्यार की रक्षा करता। मेरा मुन्ना क्या देख रहा है? सगाई की फोटो देख रहा हूँ। देखो मेरी बुआ कितनी सुंदर लग रही है। हाँ सुंदर तो लग रही है, लेकिन वो है कहाँ? तुम आज शहर जा रहे हो, यही बताने आए हो ना? पुलिस ट्रेनिंग के लिए शहर तो जाना ही पड़ेगा। शहर जाना था तो मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी? भगवान ने तुम्हें अच्छी शक्ल सूरत दे रखी है, घाटे में नहीं रहोगे, दो चार लड़कियाँ तुम मिल ही जाएंगी। ये तुम सच कहती हो, शहर की रौनक तो लड़कियाँ ही है, वहाँ तो कदम कदम पे लड़कियाँ होगी, बाहों में होगी, दिल में होगी और नजरों में भी होगी। तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। छोड़ो मुझे। ए। तुम मर्दों के पास औरतों को बेवकूफ बनाने का और कोई रास्ता नहीं है। है ना? इस तरीके को अपने शेरवालियों पर आजमाना। तुम इसी तरह रूठी रहोगी तो दिल के अरमान दिल में ही रह जाएंगे राधा। जुदा होने से पहले एक बार हंसकर गले लग जाओ। तुम्हें इस फूल की कसम राधा। कौन? विजय। काम? वो लाला जी से मिलना है। आहा, यहाँ आज खड़े करो, मैं जाके लाला को बुला के लाता हूँ। हाँ, और देखो किसी सामान को हाथ मत लगाना बाबा, सारा सामान अंग्रेजों के जमाने का है। बोला बोलो बेटे भैया, कैसे आना हुआ? लाला जी ब्याज देने आया हूँ, ये लीजिए। कसम बिलाए वालों की, इस सारे गांव में तू ही एक अकेला है जो कि ऐन वक्त पे ब्याज दे जाता है। लाला जी है? अगर थोड़ा कर्जा और मिल जाता तो। और कर्जा? अबे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है? बात यह है लाला जी कि वो बहन की मंगनी में खर्चा बहुत हो गया, वो मंडप वाले मिठाई वाले बहुत से लोगों का पैसा चुकाना बाकी है। अबे मेरी भी मैयत निकलने वाली है, मुझे भी अर्थी और कफन के लिए पैसों की जरूरत है, मैं किससे मांगूंगा? शुभ बोलिए आप। ठीक है, आप नहीं कर सकते तो जाने दीजिए। अबे ये चिड़िया तो उड़ रही है। अबे विजय तू जाता कहां है? अरे तेरा लाला तो पैदा ही हुआ है तकलीफ उठाने के लिए, तुझे पैसे ही तो चाहिए ना। आ चल ले, ये रहे 5,000। लाला जी, और लाला चाहिए? जी, लाला जी मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। अच्छा मैं चलता हूँ। विजय जाते जाते जरा यहाँ अंगूठा तो देखता जा।
इसमें लिखा क्या है लाला जी? कुछ नहीं लिखा है, तेरा जो मकान है ना उसे गिरवी रख के मैंने तुझे 5,000 दिए, बस यही लिखा है। नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे मैं गिरवी नहीं रखूं। 3 महीने में तेरी फसल उग जाएगी, तू कर्जा चुका देना। सोच मत विजय, हिंदुस्तानी यही तो मार खा जाते हैं और विलायत वाले आगे निकल जाते हैं। ला मालिक, आपकी फैक्ट्री बरसात के पानी में बह गई। अबे क्या बक रहा है? आओ ना, जितना पानी विजय को चाहिए था भगवान ने उसको दे डाला। देखो ना क्या फसल उगी है, अब उन्हें ये फसल बेच को अपना मकान छुड़ा लेगा। और आपको अगर जमीन नहीं मिली तो आप क्या फैक्ट्री सिकंदराबाद के कट्टे पे बनाओगे? अबे निरप्पा, मैंने भी अंग्रेजों का नमक खाया है, अगर उसकी उगी उगाई फसल न लुटवा दी तो मेरा नाम दयालु राम नहीं। वो कैसे मालिक? वो ऐसे कि मैं उसे उस भयंकर शेर का निवाला बना दूंगा जिससे सारी दुनिया थर थर कांपती है। जब वो गांव में आता है ना तो गांव वाले घर छोड़कर भाग जाते हैं और पैदा होने वाले बच्चे अपनी माँ के पेट से समय से पहले ही निकल आते हैं। उसके हवाले कर दूंगा मैं। किसकी बात कर रहे हैं मालिक? वही काली माई का पुजारी, देवी के माथे पर इंसान के खून का तिलक लगाने वाला डाकू पकड़ से। काली माँ। बुलाओ रे मल्ले के दुश्मन को बुलाओ। काली मां की कसम, मल्ले तय को मुकाबले का पूरा मौका देगा। तय के सामने जितने भी हथियार पड़े हैं उसमें से तय कुछ भी ले ले, लेकिन मल्ले तय के साथ खाली हाथ मुकाबला करेगा। काली माँ।
सरदार लाला दयालुराम आए हैं। लाला का है? कहते हैं कोनो खास बात करनी है। बुलावा सरदार बगड़ सिंह जिंदाबाद। लाला कैसे आना हुआ? सरदार अब के गांव में फसल बहुत अच्छी हुई है। सरदार लाला ने ठीक ही कहा था, फसल भी अच्छी है और गांव भी बड़ा है। कसम काली माँ की, मन्ने को इस गांव को लूटने में ढेर मजा आवे। ये फसल की कटाई को कितने दिन लगेंगे? यही कोई 15-20 दिन सरकार। अब ये पाव भर गोश्त का टुकड़ा मन्ने के पत्थर मारा। चूजा तू ही बग्गड़ सिंह है? बड़ा नाम सुना था तेरा, सुना था बड़ा बहादुर है। अरे तू तो कायर है, थू शर्मनी एक बच्चे पर गोली चलाते हुए। वो बेचारा उसकी जिंदगी का एक ही सहारा था वो गूंगा। वो बेचारी अब क्या करेगी, जाके कहीं डूब मर। शेरा ये ससुरा तो ढेर बड़बड़ करत है, मन्ने को लेक्चर देते है। सरदार कहो तो हमेशा के लिए एक ही जुबान बंद कर दे। नहीं, मन ने इस ससुरे की आवाज को गोलियों से ना बंद करो, कोड़ों से बंद करो। जरा गिनना तो सही, कितने कोड़े खाने के बाद इस ससुरे की आवाज बंद हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। बुढ़िया, तय की गोद के इस पिल्ले ने खुद ही शेर के मुंह में हाथ दिया है। जा, तय की अर्थी का प्रबंध कर ले। तुम्हें भगवान का वास्ता, छोड़ दो मेरे बेटे। अरे चुप, मन ना माने तय के पुजदिल भगवान को। मन तो सिर्फ काली माँ का भक्त है। तो तुम्हें काली माँ का वास्ता, माफ कर दो मेरे बेटे को, माफ कर दो। बुढ़िया, तैने काली माँ की कसम देकर अपने बेटे की जिंदगी को बचा लिया, लेकिन याद रख, आइंदा तय का छोरा मन्ने के सामने भी आया तो मन्ने एक घोड़े के पिछाड़े बांध कर जंगल में छोड़ दो, याद रख ले।
भगवान, तू तो सबकी बातें सुनता है और मेरी बात नहीं। आज तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो कत्ते कर लूंगा तुझसे, कभी नहीं बात करूंगा, कभी कुछ नहीं मांगूंगा तुझसे। ऐसा नहीं कहते बेटा। क्यों नहीं कहते? ये मेरे बाबा को शक्ति क्यों नहीं देते? ये डाकू को शक्ति देते और मेरे बाबा को नहीं? तेरे बाबा को भी शक्ति देंगे। मैं उन्हें अपने गुरु के पास ले जाऊंगा। उनकी दुआ भगवान भी नहीं टाल सकते। आयुष्मान भव। गौ महादेव कैसे आना हुआ? गुरुदेव, एक समस्या के समाधान के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ये विजय है, रामपुर के स्वर्गीय दीनदयाल का बेटा। रामपुर के स्वर्गीय दीनदयाल का बेटा? महादेव, इससे पूछो क्या इसकी माता का नाम देवकी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। महादेव, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आपके दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। आपको इसकी सहायता अवश्य करनी होगी। मैं तो क्या, संसार की कोई भी शक्ति इसकी सहायता नहीं कर सकती। इसकी कुंडली मेरे शिष्य मुनिव्रत ने इसके जन्म के 3 महीने बाद बनाई, और बनाते समय वो भी कुछ दुविधा में पड़ गया। जब वो मेरे पास आया और उसने इसकी जन्म तिथि और समय का बयान किया तो मैं भी चौंक पड़ा। क्यों महाराज? ऐसे इंसान हजारों साल में सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं, जब ग्रहों का अनोखा मिलन होता है। मंगल, शनि, बुध, शुक्र और गुरु एक क्षण के लिए एक सीध में आ जाते हैं, और उसी क्षण में एक शक्ल के दो इंसान दो स्त्रियों की कोख से एक ही समय जन्म लेते हैं। विजय और उसका हम शक्ल भी उसी क्षण में पैदा हुए। मेरा हम शक्ल? हाँ, शक्लें तुम दोनों की एक जैसी होंगी, मगर तुम्हारे संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर होगा। तुम शक्ति के लिए जिंदगी भर तरसोगे और उसकी बाहों में शक्ति का भंडार होगा। तुम लाख यत्न करो, शक्ति तुम्हारे में कभी नहीं आएगी, और वो अगर लोहे को भी हाथ लगा देगा तो लोहा पानी की तरह पिघल जाएगा। इसे विधाता का चमत्कार कह सकते हो या करिश्मा कुदरत का। इंस्पेक्टर राज है? इंस्पेक्टर, वो आ गया है। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ, और सुनिए, उस पर रखा हुआ 50,000 का इनाम वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम करण। रॉबर्ट, पसीना पहुंच लो। हमारे धंधे में पसीना आना अब शुगन माना जाता है। सर, ये हिंदुस्तान का मूर्तियों का टॉप का पायल शेठ जानकी दास, और ये मिस्टर मेहरा उनका हांगकांग का ब्रांच का पार्टनर। आप लोग बिजनेस का बात कीजिए, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूं। यह है वो मूर्ति जिसे हम बेचना चाहते हैं।
क्या कीमत है इसकी? 3 जाने। माफ कीजिए, हम आपका मतलब नहीं समझे। 3 पुलिस वालों को मारकर ये मूर्ति लाया हूं, इसलिए इसकी कीमत 3 लाख है। 3 लाख? जिस माल को पाने के लिए जितनी जाने जाती हैं, मेरे नीलाम की मार्केट में उस माल की कीमत उतनी बढ़ जाती है। पुलिस को रोक दिया। पुलिस? पुलिस यहाँ कैसे आई? खुद ही बुलाते और खुद ही पूछते। मैंने पुलिस नहीं बुलाई। सर जानकी दास, क्या लगता है पुलिस बहरा ने बुलाई थी? हो सकता है पुलिस मेहरा ने ना बुलाई हो। हो सकता है पुलिस तुमने बुलाई हो। ये भी हो सकता है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अब तो सब कुछ हो सकता है सेठ जानकी दास। करण, जल्दी करो, मैं नहीं तो पुलिस आ जाएगा। वो तो आएगी, क्योंकि पुलिस आने से पहले हमारे माथे पर पसीना जो आ गया। पसीना तो कमीने गद्दार तो तू ही है। इन दोनों को तो मैंने इसलिए मारा है कि करण अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। कैसी बात कहता है करण? सवेरा पौन घाट हम पुलिस साहब को बुलाएगा। हम तो तुम्हारा अपना आदमी है। करण का इस दुनिया में अपना कोई नहीं। में तो 6 गोलियां थी, 3 पुलिस वाले और 2 ये रॉबर्ट। 6ठी गोली कहां गई रे? यू आर वेरी लकी रॉबर्ट। थैंक यू वेरी मच।
साफ हो जाएगा। अरे ये तो करण नहीं, कोई और है। बाबा मुझे तो डर लग रहा है। डर किस बात का बेटे, डाकू जाने में अभी दो दिन बाकी हैं। तब तक मैं ये अनाज मंडी में बेचूंगा। लाला से घर बचाने का यही एक तरीका है। अरे मालिक मालिक जल्दी आओ मालिक। मालिक क्या हुआ? देखो उन्होंने आपकी फैक्ट्री बैलगाड़ी में डाल को अंधेरे में निकल जाने बोला। अबे ये फैक्ट्री नहीं, ये अपनी मौत लेके जा रहा है। कुछ नहीं बेटे, दुनिया का माल लूटे है सेरा, ये ससुरा मन्ने के माल पे डाका मार के भाग रहे हैं। कहा रहे सेरा, उस दिन हम का कह रहे थे? यही कहा था सरदार कि इना कोई होशियारी की तो इका घोड़े के पिछाड़ी बांध के गने जंगल में छोड़ देंगे। तो फिर देर किस बात की है, बांध दो ससुरे को। करण का पकड़ा जाना नामुमकिन बनता जा रहा है इंस्पेक्टर राज। मायूस मत हो इंस्पेक्टर, इस वीरान इलाके में उसे ना खाने के लिए दाना और ना पीने के लिए पानी मिलेगा।
दाढ़ी और सर के बाल काट कर मेरे कपड़े पहनकर तुम तो हूबहू मेरे जैसे लग रहे हो। महायोगी ने सच ही कहा था कि दुनिया में मेरा एक हमशक्ल है जिसके हाथों में ना मेरे हिस्से की भी ताकत है। अब मैं उन लोगों को देख लूंगा जिन लोगों ने मेरी जिंदगी को जिल्लत के अंधेरे कुएं में धकेल दिया था। करण, भगवान ने तुझे मेरा रखवाला बनाकर भेजा है, चल घर चलते हैं। घर, घर तो अब मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम नहीं। मजाक कर रहे हो, हम दोनों घर चलेंगे। नहीं, तुम्हें तो बहुत दूर जाना है विजय बाबू। तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, तुम्हें मारकर ही मुझे जिंदगी मिली। विजय बनकर मैं पुलिस और कानून के जाल से आजाद हो जाऊंगा। नहीं, मुझे मत मारो। देखो, मेरी एक माँ है, मेरी बहन है, मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उनका एक ही सहारा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया वो जीते जी मर जाएंगे। मुझे मत मारो। उनकी फिक्र मत करो, वो मुझे विजय समझकर अपने सीने से लगा लेंगे। जरा सोचो, क्या भगवान ने तुम्हें मेरे हिस्से की शक्ति इसलिए दी थी कि तुम मेरा ही खून कर दो? अगर मैंने तेरा खून नहीं किया तो पुलिस मेरा खून कर देगी। के पीछे कौन बंधा हुआ है? विजय भैया? सर, क्या आप इसे जानते हैं? इनकी बहन से मेरी शादी होने वाली है। भगवान का शुक्र है, मेरे बेटे को होश आ गया। विजय की मां कैसे हो भैया? उसकी बहन। बाबा, ये बेटा है उसका। कैसे हो विजय भैया? अब ठीक हूं मैं। मैं चलता हूं विजय भैया, जरा जल्दी में हूं। एक खतरनाक मुजरिम करण का पीछा कर रहा हूं, कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। अच्छा माँ जी, चलता हूं। चावे, करण को तो तेरे फरिश्ते भी नहीं पकड़ सकते। हे, अरे, तेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा भी आ जाएगा। भगवान मौत दे दे, मगर जिंदगी में किसी माँ का जवान बेटा न ले। मैं लाल पहाड़ी के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर मर्द हो तो अकेले आना करण। मैं तो समझा था आज किसी बहादुर आदमी से मिलने का मौका मिला है। तुम? ये क्या मजाक है?
मैं अपने बिस्तर पे सोई थी। पैरी पवन मेरे कमरे में घुस आई और मुझे गदगदा के चका दिया, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। दादा तुम्हें मालूम है ना कि मैं ड्यूटी पर था? मालूम है। फिर भी तुमने मुझे क्यों बुला लिया? ये बादल, ये शीतल पवन, ये जवान नजारे, मुझे इन नजारों से कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मुझसे तो दिलचस्पी है। तुमसे भी नहीं। अपने होने वाली बीवी से भी नहीं? नहीं, और बिल्कुल नहीं। Thank you.
कुड़िये? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ। अब लगे ना लगे ना मोहे, डर नहीं लगे सजना नहीं, तो वो तो नहीं सजना नहीं, तो वो तो नहीं। विजय बेटा, अलमारी में से अगरबत्ती निकाल कर ले आ, पूजा का समय हो गया है। क्यों विजय बाबू, हमारी मेहमान नवाजी पसंद आई आपको? क्या बात है कम्मू भाई, तुमने खरा माल सप्लाई किया, हम देखो ये खरा सोना दे रहे। एक बात बताओ, ये ऐसी बुलबुल कहां से पकड़ के लाती हो? हमारे पास नब्बन मियां जैसे सयाद मौजूद हैं, जिनके जाल में बुलबुलें फंसती हैं, कौए नहीं। क्यों नब्बन मियां? अजी कदरदानी है आपकी कम्मू भाई, इसीलिए तो बंदा गहरे समंदर में गोते लगाकर मोती निकाल कर ले आता है आपके लिए। भाई कम्मो बाई भी तो अच्छे माल के अच्छे दाम देती है। ये रही तुम्हारे आने वाली चिड़िया की कीमत, पूरे 10,000। हाय राम, सारा घर ढूंढ लिया, तेवर कहीं भी नहीं मिले। यहाँ भी नहीं है माँ, आज तक मुझसे एक छल्ला भी नहीं घूमा, और इतने सारे जेवर कैसे घूम गए? समझ में नहीं आता माँ, कौन चोर हमारे घर में घुस आया? विजय, विजय, इस घर का क्या होगा बेटे? तेरे पिता नहीं रहे, क्या उनकी समाधि भी मुझसे छीन ली? ऐसा मत कहो माँ, अभी लाला के आने में 7 दिन है ना, तब तक मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तू फिक्र मत, फिक्र मत। हाँ। अरे आओ बच्चों आओ, 2200 वाला आ गया, जल्दी करो बच्चों, खेल शुरू होने जा रहा है। ये देखो बच्चों, नन्ना फरिश्ता देखो, बाबा प्यार की पुकार। बाबा बाबा मुझे 10 पैसा दो ना, मुझे तमाशा देखने का है। जाना। अरे बाबा दो ना, मुझे 10 पैसा दो ना। अरे हट। अरे बाबा दो ना 10 पैसे। बाबा दो ना पैसे, अपन दोनों दोस्त है ना। मैं किसी का दोस्त नहीं। हाय राम, ये क्या हो गया?
मुझको यारो मारे आगा। उस्ताद लो राम जी, ये तो वही जलपरी है। अबे तेरी जलपरी की जवानी तो बड़ी गजब की है रे। चल उठा लेते हैं साली का। ये बैलगाड़ी भी किस वीरान जगह में फंस गई है, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ मदद करूं? अरे विजय बाबू आप? अरे ये साला कौन आ गया? इसे मैं जानता हूँ, ये भूसे का बना हुआ फुसर। अरे फूक मारो तो उड़ जाएगा। फंस गए हैं आप, बुरी तरह फंस गए हैं। क्या ये तो हाथ लगा दूं? मजाक मत कीजिए। लो मजाक की क्या बात है, फंस गया तो निकालना तो पड़ेगा ही। जाने दीजिए, आपके नाजुक हाथों में मोच आ जाएगी। इससे अच्छा गांव वालों को बुला दो। आपने अभी इन हाथों का कमाल देखा नहीं है, आप खुद ही पसंद कर लीजिए कौन से हाथ निकालूं। ये बैलगाड़ी है, किसी बच्चे की गाड़ी का पहिया नहीं जिसे आप निकाल देंगे। अरे विजय बाबू ये कैसे हो गया, मुझे अपनी आंखों पर अब तक विश्वास नहीं आ रहा। विश्वास नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से फंसा के फिर निकाल देता हूँ, फिर विश्वास आ जाएगा। अबे ओए क्या लड़की पे रोब डाल रहा है, फोड़ यहाँ से। अरे ये तो वही गुंडे हैं। वही? हाँ जाने मन वही। उस दिन का हिसाब कुछ बाकी रह गया था, उसे आज पूरा करने आए। अबे तू अभी तक यहीं खड़ा है, चल फूट यहाँ से। उस्ताद इसके लिए तो हम ही काफी है। केरी शर्मेदानी आज समुद्री को गए की चाहिए है? आज तो आपने कमाल ही कर दिया, उस दिन इन्हीं शराबियों से मार खाकर आपने मुझे हैरत में डाल दिया था, आज इन्हीं को मारकर आपने मुझे ताज्जुब में डाल दिया है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, सच वो भी था और सच ये भी है। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनो फिर कब मिलोगी? कल शिवरात्रि का मेला है, मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगी। कितनी देर लगा थी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। ये लो भोलेनाथ का प्रसाद। भोलेनाथ का? हाँ किस लिए? अपने अच्छा भोलेनाथ का है ये। ये क्या पिला दिया तुमने, मेरा तो सर ही घूमने लगा। एक और पिलो ठीक हो जाएगा। पिलो, पिलो। Thank you.
सपना सनम अच्छी किस्मत वाले हैं हम दिल में पहली बार आज कोई आया है लेके पहला प्यार आज कोई आया है नजर
नजर आती है चार सू, समझाऊं कैसे है क्या आरज़ू। मेरा है तू, मेरा है बस तू ही संसार में, डूबा है दिल तेरे ही प्यार में। दिल में पहली बार आज कोई आया है, कर रहे हो? अरे वाह, तुम कभी सीधा नजर आते हो, कभी उल्टा नजर आते हो, फिर सीधा नजर आते हो, फिर उल्टा नजर आते हो। तुमने तो कमाल दिखाना शुरू कर दिया। कमाल तो अभी दिखाऊंगा, जंगल की हिरनी सब सीधा सीधा नजर आएगा। दिखाओ, खूब कमाल दिखाओ, आज मैं तुम्हारे सारे कमाल देखूं। किया तुमने,
तुम खामोश क्यों हो विजय? जवाब क्यों नहीं देते? मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया है और उसने मेरी चाहत का इस तरह नाजायज फायदा उठा लिया। एक बात का जवाब दो विजय, तुम मुझे प्यार करते हो ना? अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ विजय, मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी। तुम मुझे चाहते हो ना? हाँ, चाहता हूँ। तो फिर कल सुबह मेरे घर आकर मेरे भाई से हमारी शादी की बात पक्की कर लेना। आओगे ना? आऊंगा। अरे वाह, हमारे लिए तो कभी इतनी सारी मिठाइयाँ नहीं बनी। ये विजय बाबू तो बड़े किस्मत वाले निकले हैं। भैया। भैया क्या? सुन, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। टाइम तो हो गया है। आरो, तेरा विजय बाबू तो बड़ा लेट लतीफ निकला। वादा पूरा करना नहीं जानता। ड्यूटी का वक्त हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। आए तो बुला लेना। कैसी है मेरी बहन डॉक्टर? ये तो अच्छा हुआ मैं ठीक वक्त पर पहुंच गई, वरना जहर अपना काम कर चुका होता। अब घबराने की कोई बात नहीं,
पारो। अच्छा होता भैया मुझे मर जाने दिया होता। तुझे मेरी कसम पारो, बोल क्या हुआ? तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी इज्जत का चिराग बुझ गया। कौन था वो विजय? उसने तुझे अपनाने से इनकार कर दिया। भैया पारो, तू मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। आओ राज, आओ। राधा तो माँ के साथ मंदिर गई है। मैं राधा से नहीं, आपसे मिलने आया हूं। क्यों क्यों? मुझसे किस लिए? पारो के सिलसिले में। पारो? हाँ, पारो मेरी बहन है। पारो इंस्पेक्टर की बहन? कल आप हमारे घर आने वाले थे। मैं? हमारे घर? जी हाँ, शादी की बात करने के लिए, मुझसे पारो का हाथ मांगने के लिए। साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जत और तमीज भी रखते हैं। अगर पारो का हाथ मांगना होता या उसे शादी की बात करनी होती तो भला मैं क्यों आता आपके घर? मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो आती हाथ मांगने आपके घर? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दुनिया का दस्तूर भी यही है, लेकिन आपने दुनिया के दस्तूर को तोड़ा है, उससे प्यार किया है, और प्यार में दोनों नादानी कर बैठे जिसकी धर्म और समाज इजाजत नहीं देता। आपको गलत फहमी हुई है, ना तो मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ साहब, और ना ये जो आप कह रहे हैं ना नादानी वादानी की। झूठ बोलते हो तुम। तुमने मेरी बहन से प्यार किया, उससे शादी का वादा किया, और फिर इसके पवित्र दामन को दागदार करके मुकर जाना चाहते हो। ठीक है साहब, आपके हाथों में कानून है, जो जी चाहे कर लीजिए, मगर कानून के हाथों किसी गरीब के घर दर मत दबाइए। आप जुल्म कर रहे हैं मुझ पे। सारा गांव जानता है कि मैं एक सीधा साधा शरीफ आदमी हूँ। किसी लड़की को छूना तो एक तरफ, मैंने कभी आंख उठा के नहीं देखा जी। आप कह रहे हैं कि मैंने ये खाम का की तोहमत लगा रहे हैं मुझ पे? जी जी जी, शर्म आनी चाहिए आपको। इसका मतलब मेरी बहन झूठ बोल रही है। अगर ये सब कुछ तुम्हारी बहन ने कहा है तो वो सरासर झूठ बोल रही है। जवानी के जोश में आकर इज्जत आबरू किसी और के हवाले कर दी और शादी की रसीद कटवाने के लिए मेरे पास भेज दिया। कमीने जलील, मेरी बहन पर झूठा इल्जाम। ये सब क्या हो रहा है? माँ सुन रही हो तुम? ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि मैं इसकी बहन से प्यार करता हूँ और मैंने इसकी बहन की इज्जत लूटी है। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा माँ, क्या मैं ऐसा हूँ? तू ऐसा ही कमीना और जलील। खबरदार राज, अगर अब तुम हाथ उठाओगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे हाथ क्या, मैं ऐसे दुनिया से उठा दूंगा। देखो राज, अब तुम हाथ से ज्यादा गुजरते जा रहे हो। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे खानदान को गाली दो। रुकता हूँ तुम्हारे इस खानदान को, जिसने ऐसे कमीने धोखेबाज को जाना। ना चली जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, और जाने से पहले ये भी कह जा रहा हूँ कि आज के बाद तुम जैसे लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं। काश आज मैं कानून का मुलाजिम ना होता तो तुम्हारा वो अंजाम करता कि मुझे तो फांसी लग गई होती, लेकिन दुनिया के तमाम भाइयों का सर इज्जत से ऊंचा हो गया होता। रन इंस्पेक्टर से दुश्मनी तुझे जेल तक पहुंचा सकती है, अगर बचना चाहता है तो भाग जाए यहां से। तो जाएगा कैसे? जाने के लिए भी तो माल चाहिए। कमो भाई अच्छे माल के अच्छे दाम भी तो देती है। ये रही तुम्हारे आने वाली चिड़िया की कीमत, पूरे 10,000। शिकारी बेचैन हो रहे हैं, तुम्हारी हिरनी कब आएगी? मरी क्यों जा रही है अब्बा? पैसा तैयार रखो, मेरा नाम सुनते ही वो फौरन भागती हुई आएगी। कमाल है भैया, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ कहाँ तलाश किया है तुम्हें, और तुमने मुझे यहाँ कहाँ बुला लिया? कुछ मालूम भी आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? आज रक्षाबंधन है भैया।
भगवान मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मेरे भैया की किस्मत में लिख देना और उसके हिस्से की सारी तकलीफें मेरे दामन में डाल देना। जब तक बहन की जिंदगी रहे, भाई ढाल बनकर बहन की इज्जत की रक्षा करें। चलो भैया हाथ बढ़ाओ। कहाँ खोए हो भैया? हमेशा की तरह आज अपनी बहन का माथा नहीं चूमोगे? लाओ मेरा तोहफा। तेरा तोहफा? अरे ऊपर जाकर देख, तेरा भैया तेरे लिए ऐसा शानदार तोहफा लाया है जिसे पाकर तू अपने भैया को जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सच भैया? और नहीं तो क्या, चल जा। अभी जाती हूँ। तुम भाई मेरे लिए शराब लाओ। मैं विजय की बहन हूँ। उन्होंने मेरे लिए यहाँ तोहफा रखा है। ये दरवाजा बंद क्यों किया? जाने दो मुझे। अरे जाने कैसे देंगे डाली? इतना वेग कराया है कि हमारा आधा वेग हो गया है। तू यहां क्या कर रहा है? चल फुट, तेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम तो अब शुरू हुआ है। ओए, क्या वक्त है? पैसे दिए हैं पैसे। पैसे? ये रहे तुम्हारे पैसे। साला, हमारा पैसा हमारे बुआ मारता है। तेरी तो पिघल गया
आज वक्त ने एक जालिम को दी है प्यार की सीख, मन के घोर अंधेरे। मुझे माफ कर दो पारो, भगवान को साक्षी मानकर आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए यहां आया हूं, लेकिन तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं क्या हूं, मेरी असलियत क्या है। असलियत? हाँ, मैं विजय नहीं हूं, विजय का कातिल करण हूं। करण के लिए पुलिस से बच निकलने का रास्ता जहां सिर्फ मौत रह गया हो, वहां से उसका यूं अकेला गायब हो जाना कुछ ताज्जुब लग रहा है मिस्टर पवार। यही ताज्जुब मुझे भी है। अरे लाला, ये तुम्हारी सेना का हुलिया किसने बदल दिया? अजी इंस्पेक्टर साहब, जिस साले विजय को हम तेली का बैल समझते थे, उसने तो बिलाती सांड की तरह मार मार के इन बेचारों के ये हाल कर दिया। अकेले विजय ने इनकी पिटाई की? अजी वो विजय विजय नहीं रहा, वो तो विजय का हम सकल यमदूत है। He is a bloody demon, a devil. करण, गुनाह करना आसान है लेकिन गुनाह से तौबा करना बहुत मुश्किल। मैं तुम्हारे साथ अपनी जीवन की डोर बांधकर अपनी पसंद पे फक्र करूंगी। सोचो मत करण, बढ़ाओ अपना हाथ और मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे हमेशा के लिए सुहागन बना दो। ठहरो, ये सब मैं क्या देख रहा हूं पारो? यह हाथ बेशुमार मासूम के खून से भरे हुए पारो, ये तुम्हारी मांग में किसी बेगुनाह का सुखा हुआ खून भर सकते हैं लेकिन सिंधु नहीं। हाँ पारो, ये विजय नहीं, ये विजय का हम शक्ल एक खतरनाक मुजरिम करण है। करण? किस करण की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है, इसका फैसला पुलिस स्टेशन में मौजूद करण की उंगलियों के निशान करेंगे। ले चलो इसे। घबराओ नहीं पारो, जीत तुम्हारे प्यार की होगी,
मेरा यही इंतजार करना। हे भगवान, जब वो अच्छा आदमी बन गया है तो उसे बुरा आदमी बनने की सजा क्यों दे रहे हो? भैया ने तुम्हें छोड़ दिया? हाँ। लेकिन पुलिस स्टेशन में जो तुम्हारे उंगलियों के निशान थे? थे, मगर वो निशान मेरी उंगली से नहीं मिले। ये देखो। राधा, अरे ओ राधा, देख तो, तेरे भैया ने खुशियों से मेरा आंगन भर दिया। अरे देख राधा, तेरे सामने तेरी भाभी खड़ी है। पारो, मेरी भाभी? भैया, भैया आज मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा, बता तू कितनी खुश है? बहुत खुश हूँ भैया, बहुत खुश हूँ। सच? बहुत खुश है? हाँ भैया, बहुत खुश हूँ मैं, सच। तेरी खुशी में कोई कमी नहीं? नहीं भैया, कोई कमी नहीं है। तो जरा देखें उसे। नहीं पापा, नहीं, वो बहुत ताकत वाला है। ताकत वाला है? अरे हम कौन सा उसे कुश्ती लड़ने जा रहे हैं बेटे, हम उसको प्यार से समझा देंगे। रंगा साहब, हमारे खेत में पानी चाहिए, मेहरबानी करके पानी छोड़ दो, इतनी सी बात है। चलो। राम राम रंगाराज जी। मीरप्पा जी, अब देखना कैसे ये अपना रंगा इस विजय के बच्चे को नंगा करता है। मैं आपसे विनती करने आया हूँ, अगर आपको कष्ट ना हो तो थोड़ा पानी मेरे खेत में छोड़ दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ये ले, छोड़ दिया। ठीक सुना था मैंने, तो चूटी के ऊपर निकल आए। मैं भी जरा देखूं कितनी ताकत तुझ में है। ताला या लगा है? ये रही चाबी। बाबा, ये पैसा शराफत से मानने वाला नहीं है। चलो चुपचाप निकल चलते हैं। चुपचाप क्यों निकल चले हैं? अभी तेरे बाबा ने उसे शराफत सिखाई कहाँ है? तू बैठ के तमाशा देख, मैं उसे शराफत सिखाता हूँ। बाबा,
देख कर दिया मैंने उसको फ्लैट। हाँ इधर देख 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 देख, ये ले चाबी, ताला खोल ले। इसके साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। मालिक अभी हल्लू हल्लू चुपके से यहां से निकल लो। आओ लाला आओ, आज तक कौन से गांव को लूटने की दावत देने को आया है? ठाकुर दावत देने नहीं आया हूँ, मैं तो अंदर की खबर देने आया हूँ। अब गांव में मत जाइयो। क्यों, किसी ने फौज बुला रखी है क्या? नहीं फौज नहीं है। तो क्या ईब का फसल ठीक नहीं? नहीं फसल भी ठीक है। तो के बाद लाला क्या तय के मन में खोट आ गया? नहीं, क्या? नहीं, नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ बग्गड़ सिंह कि अब वो गांव वैसा नहीं रहा। वो अपना विजय है ना, विजय जिसको तुमने मारा था। ओ, वो पोकल ढोल जो बजना जानता है बजाना नहीं। बग्गड़ सिंह वो अब ढोल नहीं रहा, वो तो एक बिलायती तोप बन गया। तोप एक ही झटके में बड़े बड़ों को इधर से उधर कर देता, कसम मिला जानू की। लाला ये कहानी किसी बच्चे को जाके सुनाना। मन्ने का नाम है बग्गड़ सिंह। बग्गड़ सिंह मन्ने तय का गांव जरूर लूटेगा, और कसम काली माँ की मन्ने ईब की बार उस हराम के पिल्ले को भी नहीं छोड़ेगा। लो, बन गया अपना काम, इलायती चाल काम आ ही गई। बाबा। हाँ बेटे। इस बार तो अपनी फसल बहुत अच्छी है। हाँ पूरा भरा पड़ा है खेत, मगर डाकू बग्गर सिंह इसमें से आधा अनाज लूट ले जाएगा। बग्गर सिंह? अरे वो डाकू बग्गर सिंह, अरे हम उसको समझा देंगे। देखो डाकू जी, हमारी बहन दादा की शादी है इसलिए हमारी फसल मत ले जाइए, नहीं तो उस दिन शराफत से वो रंगा मान गया था ना, वैसे इस पंगे को भी मना लेगा। बाबा हाँ? आपकी शराफत बहुत तगड़ी है। अरे बेटे तू देखता जा, अभी शराफत दिखाई कहाँ, अभी तो दिखाएंगे। विजय बेटे, ये इतनी सारी फसल तो हमारे खेत में कभी नहीं हुई। ये सब तेरे आशीर्वाद का नतीजा है माँ। बेटे बग्गर सिंह आ रहा है, वो तेरी जान का दुश्मन है, भाग चल यहाँ से, चल बेटे चल। माँ ये सारा अनाज इस तरह? हाँ भैया भाग चलो, सोचो मत भैया, तुम्हें मेरी कसम। हाँ भाग चलो भैया भाग चलो। तुम ठीक कह रही हो, चलो चलकर छुप जाते हैं। बग्गर सिंह आ गया जल्दी। अरे ये क्या दरवाजा क्यों बंद कर दिया विजय बेटे? अरे अंदर आ जा कह रहा है। माँ जिस अनाज को मैंने अपनी बहन की शादी के लिए दिन रात मेहनत करके उगाया है उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। नहीं भैया मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जिसकी ईंटें मेरे भाई के खून से चुनी गई हो। हाँ बेटे लूट जाने दे अनाज, लूट जाने दे। तू फिक्र मत कर माँ, ऐसा कोई लुटेरा पैदा नहीं हुआ जो मेरे पसीने की कमाई को लूट सके।
अरे ये सेरा, ये जिंदगी के दुश्मन के अंदाज तो देख। लाला ठीक कह रहा था, ये हराम खोर के तो मिजाज ही बदल गए। मन्ने को देख के मुर्दे भाग जाएं, ये को देख के ससुरे को कैसे सीना फुलाए लेटा है। ये जैसे तय लेटा है ना, सही मन्ने इसी प्रकार से हजारों को काट के लेटाए दियो है। तभी हिंदुस्तान की सरकार ने मन्ने के सर पे 25,000 का इनाम रखे है। बस 25,000? अरे डाकू हो या पॉकेट मार, इस लल्लू को क्या मालूम मेरे सर पे 50,000 का इनाम है। इको तो बहुत चर्बी चढ़ गई रे। तय काम कर, ई बार आधी फसल नहीं पूरी फसल लूट लियो। भगत सिंह, ये है तेरा भाई चूहा सिंह। थोड़ी देर पहले बेचारा जिंदा था, इसकी इतनी सी भूल थी कि इसने मेरे अनाज में से एक दाना चुरा लिया। बस एक फटका मारा, फट से मर गया। तो ये कि सारी फसल तो एक तरफ, तो अनाज का एक दाना उठा के तो दिखा दे। इस फटे हुए चूहे की तरह अगर चपटा करके ना फेंक दिया तो मैं अपनी माँ का बेटा नहीं। ये बात है। बिल्कुल ये बात है। निरपा जी, कसम विलायत वालों की, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखना कैसे ठोकता है अपना बग्गड़ इस साले विजय के बच्चे को। थोड़ी देर पहले चूहा तय ने मारा था, और अब चूहा मन्ने मारेगा। देर जिंदा रहना चाहते हो अपने आदमी से कह दो कि बंदूकें फेंक दें। अपने साथियों को हुक्म देता है या मैं अपनी उंगली को तकलीफ दूं। सरदार! बाबा! बाबा! दुश्मनी मोल लेने का नतीजा, अब बग्गर तुझे नहीं छोड़ेगा और मैं तेरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। मा,
राज, इस वक्त जो तुम देख रहे हो वही सही है। ये हाथ विजय के नहीं, करण के हैं। इस वक्त तुम मां और राधा को बचा लो राज, जल्दी। देखे इंस्पेक्टर, जान लेने वाले हाथ जब जान बचाने के लिए उठे तो किस तरह फंस गए। अब तो एक ही ख्वाहिश है, राधा बहन के हाथ पीले हो जाएं। उसके बाद तुम मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर अपना फर्ज पूरा कर लेना। इस तरह भाई बहन का प्यार भी जिंदा रह जाएगा और तुम्हारा कानून भी। मिस्टर राज, लोग शादी से पहले अपनी नौकरी पक्की करने की सोचते हैं और आप इस्तीफा दे रहे हैं। मेरी मानो, एक बार फिर से सोच लो। मैंने बहुत सोच समझने के बाद ही ये कदम उठाया। ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूं। ओके, थैंक यू। अरे लाइटर। भैया, आपने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या करता, मेरा दिल जानते हुए भी करण को गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं देता। और मेरा फर्ज करण को कानून के हवाले करने के लिए मजबूर कर रहा था। बेटी, जिस घर में तुमने जन्म लिया है, आज के बाद वो घर तेरा नहीं रहेगा। अब तो तेरा पति ही तेरा भगवान है, उसका घर ही तेरा आंगन है, बाकी सब पराए हैं। आज राधा जी रिश्तों को छोड़कर जा रही है, कल मैं भी उन रिश्तों को छोड़कर चला जाऊंगा। Ah, 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 ah
इन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों में हर पल रहे, बन के आंसू वो आंखों से ढलता है क्यों, ढलता है क्यों। सपने सवर के, सपने सवर के बिखर जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया तेरी तेरे तेरे। यहाँ आकर मेरी इज्जत और महफिल की रौनक बढ़ा दी। मैं तो शादी का दावतनामा भी देने ना आ सका, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें हमारी याद क्यों आती? तुमने तो नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया और हमसे रिश्ता भी तोड़ लिया, फिर भी इस रिश्ते को याद दिलाने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये पेपर लाया हूँ। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? यस मिस्टर राज, इस इंस्पेक्टर के बयान के मुताबिक तुमने जानते हुए भी खुद करण को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। यही तुम्हारी फर्ज के साथ सबसे बड़ी गद्दारी थी। कमिश्नर साहब, खूनिया लुटेरा करण अगर मुझे मिलता तो दुनिया की कोई ताकत मुझे उसे गिरफ्तार करने से नहीं रोक पाती, लेकिन करण मुझे जब मिला तब वो फरिश्ता बन चुका था और उसे गिरफ्तार करने से पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ देना बेहतर समझा। अगर ऐसा करना जुर्म है तो मैं साजा भुगतने के लिए तैयार हूं। चलिए। ठहरो राज। राज, एक खूनी के लिए तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी? अपनी सारी खुशी की जगह एक लुटेरे के लिए हथकड़ी पहनने को तैयार हो गए? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। चलिए कमिश्नर साहब, नहीं तो खानदानी रिश्ते हमारा रास्ता रोक लेंगे। राज, तुम क्या समझते हो तुम जेल चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए हमारे कंधे शायद जिंदगी भर न थकते, लेकिन पगले तुम्हारी कुर्बानी का बोझ तो हम पल भर भी न उठा सकेंगे। कमिश्नर साहब, आप राज को छोड़ दीजिए और मुझे ले नहीं भेजो भैया। राज, तुम जानते हो मैं विजय नहीं हूं। कमिश्नर साहब, मैं विजय का हम शक्ल हूं और विजय का कातिल करण हूं। झूठ बोलते हो तुम, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। कह दो कि मेरा बेटा जिंदा है, कह दो कि मेरा बेटा जिंदा है, कह दो कि मेरा बेटा जिंदा है, कह दो कि मेरा बेटा जिंदा है। माजी।
करण, आओ मेरे साथ। कुछ खा लो, दो दिन से कुछ नहीं खाया। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, गांव वाले कहते हैं कि मेरा पापा कभी नहीं आएगा, क्या वो सचमुच नहीं आएगा? बोलो ना दादी माँ, बोलो ना दादी माँ, मेरा पापा आएगा ना? तेरा पापा जरूर आएगा बेटा, तेरा पापा जरूर आएगा। अगर संतोषी माँ चाहेगी तो तेरा पापा जरूर आएगा। माँ, मेरे पापा कब आएंगे? बोलो ना माँ, मेरे बाबा को ला दो माँ, ना तो मुझे अपने बाबा के पास भेज दो, हम दोनों दोस्त है ना, हम दोनों को साथ कर दो माँ, हम दोनों को साथ कर दो। भगवान का शुक्र है बेटा, विधाता ने तुझे नया जीवन दिया है। आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ कैसे है? बेटा, हम लोग एक बार जंगल से गुजर रहे थे। अरे बालकनाथ गिर गया। जिस कुएं में ये बालक गिरा था उसी कुएं में तुम पड़े थे। तुम्हारी सिर्फ सांस चल रही थी बेटा, बचने की कोई संभावना नहीं थी, मगर ये करिश्मा कुदरत का है जो तुम बच गए। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बच्चा, वो सब तो मेरे लिए रो रो के पागल हो गए होंगे। मैं जाऊंगा, मैं यहां से जाऊंगा। सरदार, वो देखो जिसकी तलाश में हम लोग जा रहे थे, काली माँ ने खुद उसको हमारे पास भेज दिया। सेरा, इब तू देखना, मन्ने की आंख निकालने वाले की बलि मन्ने अपनी काली माँ के सामने कैसे चढ़ाता हूं। विवेक बेटे, बाबा, उठा लो इन दोनों को, आज बाप की बलि इसके पिल्ले के सामने होगी। उठा लो सालों को। तो फिक्र मत कर पा रहा हूं, जब भगवान ने विजय को मौत के मुंह से बचा लिया है तो जुल्म के हाथों से विजय को करण बचाएगा। मगर तुम तो खुद जेल में हो, विजय को बचाओगे कैसे? मैं बचाऊंगा पारो, मैं बचाऊंगा।
आज के दिन तो सरदार अपने सबसे ताकतवर दुश्मन की बलि काली मां को चढ़ाता है, लेकिन ये तो बहुत कमजोर निकला। तूने मुझसे बुरे काम लेने के लिए मुझे इस धरती पे पैदा किया था? जवाब दो भगवान। जैसे ही मेरे बुराई की तरफ उठने वाले कदम भलाई की तरफ उठने लगे, तूने गोलियों से मेरा स्वागत किया। क्यों क्यों भगवान क्यों? डरने लगा था ना तू कि कहीं करण की नेकी का पल्ला उसकी बुराई के पल्ले से ऊंचा ना उठ जाए। अगर बदनामी से बचना चाहता है तो मुझसे मेरी शक्ति मत छीन, छीन मुझसे मेरी शक्ति, ताकि जिस मां का बेटा मैंने उससे छीना है उसको वापस लौटाकर मैं अपनी जिंदगी का आखिरी कर्ज चुका सकूं। उसके बाद मैं तेरी दी हुई मौत को हंसते हुए गले लगा लूंगा। नहीं करण, ऐसा मत बोल बेटे। अरे लागान, मेरे जीते जी तू अपने लिए मौत मांग रहा है? किस मुंह से तूने मुझे मां कहा था? बोल, मैंने तेरे सारे अल्फाज सुन लिए हैं। मेरे दिल में तेरा प्यार विजय से भी ऊंचा हो गया है बेटे। जय काली माँ। हे दुर्गा माँ, मेरे बाबा को बचा ले। मन्ने को ये पता चला कि कमजोर इतना ताकतवर कैसे बन गया। ता एक नहीं दो। तन्ने ठीक पता चला कानिये, हम एक नहीं दो हैं दो। और तन्ने जो इस गरीब पे जुल्म ठाए हैं उनका बदला आज मैं तुमसे लूंगा। अच्छा, मन्ने की जान लेना आया है? अच्छा क्या कि तय खुद चलकर मौत के मुंह में आया है। मन्ने अपनी काली माँ को आज एक बलि नहीं दो दो बलि चढ़ावे है। बग्गड़ सिंह आज के दिन दुश्मन को पूरा मौका देवे है। तय काम कर,
तय के सामने जितने भी हथियार पड़े हैं तय उसमें से कुछ भी उठा ले मन्ने का मुकाबला करने के लिए। अरे गादड़ के पिल्ले, तेरी गर्दन मरोड़ने के लिए भगवान ने मुझे दो घने मजबूत हाथ दिए सर। यही बात है। बिल्कुल ये बात सही। लगता है भोला आज दो शेरों का मुकाबला होगा। अबे ओ हरामी के पिल्ले, तय प्यार कर ले अपने बाबा से आखिरी बार, इसके बाद ये हरामजादा कभी नहीं उठेगा। बाबा, आज तुमको क्या हो गया? तुम तो सबको मार सकते हो। उठो ना बाबा। बेटे, तेरे आंसू को मुस्कुराहट में बदलने के लिए आज तेरा दोस्त बग्गर सिंह तो क्या भगवान से भी टकरा जाएगा।
गोलियों से छलनी कर दो आरामदादे को। मगर सरदार, ये मल्ले का हुक्म है, फूट डालो आरामदादे को। बेटे, तू चाहता था ना कि मैं बकर सिंह को मार डालूं? मैंने बदला ले लिया, मैंने मार दिया उसको। अब तो तू खुश है ना? ये क्या, तेरी आंखों में आंसू? बहादुर बच्चे रोया नहीं करते बेटे, रोया नहीं करते। फिर अपन अपन दोनों तो दोस्त हैं ना, है ना? जा, अपने बाबा को, अपनी दादी माँ और अपनी बुआ से मिलवा दे बेटे, ले जा। और दादी माँ से कहना मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। जा बेटे, जा। मैंने जो कहा वो सच निकला ना, अपने दोस्त ने हमें बचा लाना। चलो ना बाबा, मेरा दोस्त थक गया, वो आराम कर रहा है। वो मुझे बहुत ज्यादा बहुत प्यार करता है मुझसे, मैं अभी उससे उठाता हूँ। बाबा उठो ना, बाबा उठो ना, उठो ना बाबा, अपनी आंखें खोलो ना बाबा, हम घर चलने के लिए तैयार है। तुम भी चलो ना बाबा, दादी माँ तुमको देखकर बहुत खुश होगी। ये क्या हो गया बाबा, मेरा दोस्त मुझसे क्यों नहीं बोलता? तुम उसको जगाओ ना, वो मुझसे क्यों नहीं, वो मुझसे क्यों दूर गया? बाबा बोलो ना बाबा, उसको बोल, उसको बोलो कि वो मुझसे बोले। बेटे, तुम्हारा दोस्त हमसे रूठ कर और दूर चला गया। नहीं, मेरा दोस्त कहीं नहीं जा सकता, मैं कुछ छोड़कर मत जाओ बाबा। देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हें पुकार रहा है, जवाब दो ना बाबा। Oh.
अपने पराए।